वेलकम टू पीजीआई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजन या क्लीवेज या ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके हम लोग हिंदी में कहते हैं सह संयोजक आवंत का बदलना। हम आज से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। उसका यह है सबसे पहला पार्ट, पहली हेडिंग है कि आप लोग बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे। दोस्तों, यदि आपको बॉन्ड को तोड़ना आ गया, इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड को जोड़ते कैसे। तो मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है। तो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके दो प्रोसेस होते हैं या यह दो प्रकार का होता है आपका। फर्स्ट इज होमोलिटे फिजन, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है होमोलिसिस फिजन। इसको दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, होमोलिसिस फिजन। और सेकंड हमारा होता है दोस्तों हेट्रोलिटी या इसी को हम लोग हेट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसको दोस्तों हिंदी में हम लोग होमोलिटिक कहते हैं। बदला इसको हम लोग हेट्रोलिसिस बदला। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट होमोलिटिक विदलन की। होमोलिटिक विदलन क्या होता है दोस्तों? जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, कोई दो एटम रह रहे होंगे, उनके बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वह है दोस्तों आपका युग्म खंड ए और बी दोनों के पास रह रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो होमोलिटिक विदलन होगा वहां प्रत्येक तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वह सेम रह रही होगी। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वहां पर हमें कौन सा विदलन देखने को मिलेगा? होमोलिटिक। कौन सा दोस्तों? होमोलिटिक विदलन देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होगा, इनके बीच का जो साझे का ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, जब इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई होगी, उन शेयरिंग के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जब इसके बीच में होमोलिटिक विदलन करवाया जाएगा तो वह क्या होगा कि बी जो जो भी एटम है आपका, वह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और ए अपना एटम इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, जो आपको इस प्रकार से देखने में मिलेगा ए और बी। यह दोस्तों तब होता है जब ए और बी की विद्युत ऋणात्मकताएं समान होती है। तो इसको हम लोग ए मुक्त मूलक कहते हैं और इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे बी मुक्त मूलक, या इसी को ए फ्री रेडिकल, या इसी को हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से भी जानते हैं और उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों बी फ्री रेडिकल। जैसे किस प्रकार से, जैसे आपसे यदि कहा जाता है एच सिंगल बॉन्ड एच, तो आप देख रहे हो एच सिंगल बॉन्ड एच, दोनों हाइड्रोजन एटम, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान है। इन दोनों के बाद बीच में जब आप क्लीवेज करवाने जाओगे तो कौन सा क्लीवेज होगा आपका? होमोलिटिक विदलन होगा। कौन सा होगा? होमोलिटिक विदलन। इसमें यह अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और सेकेंड हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक इस प्रकार से बन जाएगा। आगे यदि Cl2 की बात आपसे की जाए कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl के बीच में आपका कौन सा बदलन होगा, तो दोस्तों हम यदि इसमें होमोलिटिक बदलन करवाने जाते हैं
होमोरोटिक विघटन करवाने पर आप पाएंगे कि इस क्लोरीन एटम यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और ये वाला क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो इसके पास बचेगा Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए CH4 की, तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, तो यह इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ है। इसका यदि होमोलिटिक फ्यूजन करवाया जाए तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, यह कार्बन और हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग लगभग बराबर है, तो जब इन दोनों की यदि लगभग लगभग बराबर है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक मिथाइल रेडिकल साथ में आपका एक हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि होमोलिटिक विघटन आपका किस प्रकार से होता है। और भी आइए दोस्तों, जैसे आपको दिया जाता है ए डबल बॉन्ड पी और कह दिया जाए इफ यदि ए और पी की विद्युत धनात्मकताएं समान हैं, तब हम देखेंगे कि इसका जो होमोलिटिक विघटन होगा वह इस प्रकार से होगा कि डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में और जो आपका एक और सिंगल बॉन्ड है वो बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि ए ट्रिपल बॉन्ड बी दिया जा रहा है और इन दोनों की विद्युत धनात्मकताएं आपस में समान हैं, तब दोस्तों यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। इस प्रकार से यह हमारा होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि ए डबल बॉन्ड बी और ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास रह जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास रह जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे रेडिकल हुए। जो होमोलिटिक विघटन होता है उसमें हमने देखा कि फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? फ्री रेडिकल। आइए कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं फ्री रेडिकल। Characteristics of free radical. तो first point कि ये जितने भी आपके free radical बने, जितने भी आपके free radical बनेंगे, ये आपके paramagnetic होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? ये आपके अनुचुंबकीय होंगे। इनका जो nature होगा वह कैसा होगा? अनुचुंबकीय। इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इनके पास दोस्तों एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। थर्ड कंडीशन आएगी कि जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका जो ज्योमेट्री होगा वह है ट्राइगोनल कोप्लेनर होगा। फोर्थ इसकी कंडीशन आएगी कि इट इज ए हाईली अनस्टेबल होगा। जब दोस्तों यह हाईली अनस्टेबल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही अधिक होगी। फिफ्थ कंडीशन जो आएगा, इट इज ए हाईली रिएक्टेड। इसकी आपकी जो रिएक्टिविटी सक्रियता होगी वह सबसे अधिक होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके फ्री रेडिकल को लेकर के। आइए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड फिजन आपका
जैसा कि बताया गया था आपको कि हेटरोल्टेरिक, सेकंड जो फिजन है आपका वह है हेटरोल्टेरिक विद्युत। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ए और बी के मध्य बना जो सहसंयोजक आबंध होता है वह या तो ए के पास रह जाता है या बी के पास। वह कैसे? यदि बी की विद्युत आपकता ए से अधिक है तो यह पूरा का पूरा बाउंड आपका बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपसे कह दिया गया है कि बी की विद्युत आपकता ए से अधिक है, तो बी की जब विद्युत आपकता ए से अधिक हो जाएगी तो यह बाउंड पूरा बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब यह बी की ओर शिफ्ट होगा तो बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और साझे के ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों यह आपके बी एटम के पास चले जाएंगे। किस एटम के पास चले जाएंगे? बी एटम के पास। और ए एटम के पास जो बचेगा वह पॉजिटिव चार्ज होगा। वह कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। यदि आपसे ऐसा कह दिया जाए कि ए सिंगल बॉन्ड बी एंड ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन बी, ए की जो विद्युत आपकता है वह बी से अधिक है, तब आपका यह जो बॉन्ड है वह ए की ओर शिफ्ट होगा और जो साझे का इलेक्ट्रॉनिक युग्म है वह दोस्तों ए के पास आ जाएगा। तो अब ए के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक लोन पेयर बॉन्ड आ जाएगा एंड बी के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आपका ए की विद्युत आत्मकता बी से अधिक हो। जब ए की विद्युत आत्मकता बी से अधिक हो, आइए दोस्तों देखते हैं थोड़े एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपसे कहा जा रहा है CH3Cl, आपसे कहा जा रहा है CH3Cl, यह जो आपके पास CH3Cl है यदि इसमें देखा जाए तो कार्बन और क्लोरीन एटम में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है वह क्लोरीन एटम की होती है। जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है वह क्लोरीन एटम की होती है, तो इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वह आपका क्लोरीन एटम अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो हम लोग कर रहे हैं हेटरोलिटिक फिजन। कौन सा कर रहे हैं? हेटरोलिटिक फिजन। तो यह हेटरोलिटिक जो फिजन है इसमें जब यह साझे का इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ जो एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा वह होगा CH3 पर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यह जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वह दोस्तों किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन एटम के पास। किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन एटम के पास। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग कार्बोधनायन कहते हैं अर्थात कार्बोकैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन। यदि इसी को यदि आपसे कहा जाए कि CH4 है आपके पास CH4 और कहा जाए कि यहां पर आप हेटरोलिटिक फिजन करा हेटरोलिटिक, तो आप देखेंगे और आपको बता दिया गया है कि यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, तब यह बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की ओर और CH3 पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यह कार्बन की साइड शिफ्ट होगा तो यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दोस्तों वह किसके पास आ जाएगा? CH3 के पास। और CH3 पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है, तो यह नेगेटिव चार्ज जो होता है वह हमारा कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आता है तो वह हमारा दोस्तों कार्ब एनायन कहलाता है। कार्ब एनायन, जिसे हम लोग कार्ब ऋणायन के नाम से भी जानते हैं। कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन के नाम से दोस्तों जानते हैं। देखिए हम लोगों ने कितने आसान तरीके से अपना दोनों फिजन को पढ़ लिया है। जैसे कि आप लोग
यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद आपने ले लिया हो। आगे यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज अपना कार्बन आयन और कार्बन आयन जो है वह अगले लेक्चर में देखेंगे कि कार्बन आयन और कार्बन आयन आपके क्या होते हैं। थैंक यू।